Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, uh, students. Today we will study uh, our next chapter that is about population. In this chapter, we will study uh, about uh, factors affecting population distribution, world population density and its distribution, population growth and effects on our development, and also we will study about some terms which are related to population. Uh, first of all uh, we are uh, going to study about the introduction according to the statistics of 2004 world population had become 6396 million which is unevenly distribu distributed on our earth most of our populated areas are located in the northern hemisphere and just like this 90% of the world population is on the 10% uh, area of the world वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी इज वन टी थ्री परसेंट पर स्क्र किलोमीटर जी क्या बता रहे हैं वो आपको कि 2004 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं जो दादाशुमार हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस टाइम पे 6,396 मिलियन पीपल थी और ये दुनिया में बहुत ही अनइवली डिस्ट्रीब्यूटेड थे यानी कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी कहीं पे आबादी बहुत कम थी और कहीं पर बिल्कुल ना होने के बराबर थी ठीक है और हमें यह भी जब हम वर्ल्ड मैप को स्टडी करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन मैप को स्टडी करते हैं तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि बहुत से एरियाज़ खास तौर पे ख़ासतौर जो हमारे नदरन हेमिसफेयर के निसफ़ कुर शिमाली के इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन दुनिया की 90 परसेंट आबादी जो है वो रहती है ठीक है और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो भी 123 परसेंट पर स्क्वेयर किलोमीटर है यानी दुनिया की आबादी को अगर हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरी दुनिया के ऊपर दुनिया की आबादी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक किलोमीटर के एरिया में 123 ट्वेंटी थ्री परसेंट जो हैं वो रह रहे हैं नेक्स्ट इज़ द टेबल फॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉन्टीनेंटल लेवल इस टेबल से हमें पता चलता है कि एशिया में uh, कितने परसेंट आबादी है और अफ्रीका uh, में कितने परसेंट आबादी है यूरोप में कितने परसेंट तेज uh, है ठीक है लेटिन अमेरिका नॉर्थ अमेरिका और ओशनिया में uh, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो टू में कितनी किस तरह से थी ठीक है

के अमल को नापने का जो नाम है उसे शरह पैदाइश कहा जाता है और इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी जगह में पैदाइश की शरह क्या है यानी हम एक फिगर ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर अगर एक हज़ार लोग थे किसी इलाके में रहने वाले तो उनके उनमें कितना जो बच्चे हैं वो पैदा हुए हैं और उस आबादी में कितना अजाफा हुआ है यानी एक हज़ार से एक ग्यारह सौ हो गए हैं या वो वन थाउजेंड टेन हो गए हैं तो वो जितने भी एक हज़ार से ज़्यादा लोग होंगे वो उस एरिया के बर्थ रेट को शो कर रहे होंगे ठीक है नेक्स्ट इज डेथ रेट डेथ रेट मेयर्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेथ्स इन पॉपुलेशन इट हेल्प्स टू स्टडी द डेथ रेट इन एनी एरिया ठीक है जी क्या होता है डेथ रेट यानी शराय वात ये किसी भी इलाके में आबादी में अमवाद के तनासब के मापने के अमल को शरा अम कहा जाता है इसके स्टडी करने से हमें यह पता चलता है कि किसी भी इलाके में या किसी भी जगह में अमवात की शरह क्या है और उससे फिर हमें यह भी पता चल जाता है कि वहाँ पे अगर डेथ ज़्यादा हो रही हैं तो हम उसका काज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उन एरियाज़ के अंदर क्या रीज़न है क्या काजेज़ हैं कि जिनकी वजह से कोई डिजीज़ आई है कोई एपिडेमिक है या कोई बम ब्लास्ट हुआ है ये क्या रीजंस हैं डेथ रेट जो है वो उस एरिया का कितना है यानी अब आ जो शराब दایش है वो हमें भी हम उसी तरह से जैसे बर्थ रेट को नापते हैं तो हम उसी तरह से शराब अंबात को भी नापते हैं कि अगर किसी इलाके के अंदर 1000 पीपल थे तो एक साल के अंदर जो है वो कितने लोग उसमें से मर गए हैं ठीक है यानी अगर 1000 थे तो उसमें से 10 लोग मर गए हैं तो 990 रह जाएंगे ठीक है तो वहां का डेथ रेट जो है वो पर हो जाएगा ठीक है है फिर आ जाता नेक्स्ट नेचुरल इंक्रीज डिफरेंस इन डेथ एंड बर्थ रेट इज नोन नेचुरल इंक्रीज मोर देन बर्थ रेट द पॉपुलेशन विल बी डिक्रीज अच्छा जी क्या है नेचुरल इंक्रीज या जिसे हम कुदरती इजाफे का नाम भी देते हैं के बर्थ रेट में और डेथ रेट में यानी शराब पदाइश और शर्य में जितना डिफरेंस है उसको हम नेचुरल इंक्रीज का नाम देते हैं अगर किसी भी इलाके में बर्थ ज़्यादा होंगी डेथ कम होंगी तो वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही होगी इंक्रीज कर रही होगी लेकिन अगर वहाँ पर डेथ ज़्यादा होंगी और बर्थ रेट जो है वो कम होगा तो ऑब्वियसली उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ कर रही होगी The next term uh, about the population in your syllabus is migration. Migration means a change of permanent residence or removal from one place to another or from one country to another. ठीक है इट कैन बी डिफाइंड अच्छा जी क्या है माइग्रेशन क्या होती है कि परमानेंट बेसिस पे जब हम अपना रेजिडेंस यानी अपने रहने की जगह अपनी रहाइ को चेंज कर देते हैं हम एक जगह से दूसरे चले जगह चले जाते हैं या फिर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं तो उसको हम माइग्रेशन का नाम देते हैं एक और जगह पे इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्विंग अ चेंज ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चले जाते हैं लेकिन और परमानेंट चले जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक साल के लिए चले गए हैं दस साल के लिए चले गए हैं बीस साल के लिए चले गए हैं जैसे गांव से लोग बड़े शहरों में आ जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं माइग्रेट कर जाते हैं या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं अपना रोजगार कमाने के लिए अपनी बेस्ट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए तो वो उसको हम माइग्रेशन का नाम देते हैं अब माइग्रेशन में अगर हम जैसे हम एक या दो दिन के लिए कहीं सैर तफरी के लिए चले गए हैं तो वो इस कंटेंट में नहीं आता है ठीक है माइग्रेशन में आता है कि परमानेंट चेंज जो है वो रेजिडेंस की होनी चाहिए और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ठीक है नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स मेयरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डेथ रेट बर्थ रेट कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन एंड ट्रेंड्स एंड काजिज ऑफ ग्रोथ हाँ जी पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या मतलब है या इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि किसी भी एरिया में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वहाँ पर डेथ रेट कितना है बर्थ रेट कितना है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन यानी वहाँ पे बूढ़े लोग कितने हैं एडल्ट uh, कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं फिर मेल और फीमेल कितने लोग हैं वहाँ पे और फिर उसका ट्रेंड कैसा है आबादी uh, के अंदर किस तरह से इजाफा uh, हो रहा है किस तरह से कम हो रहा है और उस ग्रोथ के काजिज़ क्या क्या हैं या वहाँ पे अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है तो उसके काज़ क्या हैं ठीक है ठीके? उन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं इन फाइव हंड्रेड बी सी वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज वन करोड़ और टेन मिलियन के में, जो उससे पहले फाइव हंड्रेड बी सी में यानी हजरत ईसा की पैदाइश से पांच सौ साल कबल जो थी वो दुनिया की आबादी सिर्फ टेन मिलियन थी यानी एक करोड़ थी और हज़रत ईसा के ज़माने में आ, उसमें जो है वो आ, दस गुना इजाफा हुआ यानी वो दस करोड़ तक पहुँच गए यानी हंड्रेड मिलियन तक पहुँच गई इन सिक्सटीन हंड्रेड ए वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज फोर्टी करोड़ और फोर्टी फोर हंड्रेड मिलियन ठीक है और सोलह सौ सो जब ईसा की पैदाइश के सोलह सौ सो साल बाद कबल मसीह बाद मसीह जो है वो दुनिया की आबादी चार सौ मिलियन तक हो गई एंड ड्यूरिंग सेवनटीन फिफ्टी ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टू प्लेस एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन बिकेम सिक्स एंड फाइव बिलियन अच्छा जी अब उसके बाद सत्रह सौ पचास में क्या हुआ आपका सनती इनकलाब आया बहुत सी दुनिया के अंदर सनतें लगाई गई बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे आप कह देते हैं ठीक है सब उसमें सबसे पहले जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ दुनिया के पास फैसिलिटीज़ आना शुरू हुई तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ यानी एकदम से दुनिया की आबादी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिसके नतीजे में दुनिया की आबादी उस दौर में 6205 बिलियन तक पहुंच गई ठीक है और इस अब आबादी में इसके साथ साथ जो है वो अभी भी इजाफा हम देखने को हमें मिल रहा है जैसे जैसे दुनिया की फस... फसिलिटीज बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ए, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे पास ज्यादा आती जा रही हैं बर्थ रेट ज्यादा होता जा रहा है डेथ रेट जो है वो कम होता जा रहा है Now it is all for today. Thank you.